आईएनडी वर्सेस एयूएस 30-20 मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाइस, जो 30-20 मैच मतलब फाइनल T20 मैच जो कि इस सीरीज का खेले जाने वाला है, उसके बारे में गाइस अपन डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और सेकंड T20 मैच तो गाइस अपन सभी भाइयों ने बहुत इजीली क्लीन स्वीप किया। मतलब जो भी भाई मेरे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन था गाइस, मैंने क्लियरली बोला था अक्षर पटेल को आप अपनी टीम में जरूर से रख लेना। और एडम जंपा के बारे में बताया था कि ये वाला प्लेयर आज के मैच का डिफरेंशियल हो सकता है। तो अगर आपने सेकंड T20 मैच में विनिंग को मिस कर दिया तो गाइस आपको मैं फिर से कह रहा हूं, टेलीग्राम को आप जरूर से ज्वाइन कर ले। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का गाइस एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में गाइस जो दूसरे नंबर का लिंक है उस पर लिखा हुआ है ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री टीम्स, उसके नीचे लिंक है शोर एक्सपर्ट्स के नाम से, बस आपको उस पर क्लिक करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है, हर मैच की विनिंग टीम गाइस वहां पे मिलती है, तो जरूर से ज्वाइन कर ले। अब गाइस देखिए, सीरीज हो चुकी है 1-1 से बराबर। अब जो भी टीम ये वाला मैच जीतेगी वो सीधा सीरीज वन कर जाएगी। तो इस वाले मैच में 1-2 चेंज इंडिया की तरफ से होने वाले हैं। और गाइस जिस ग्राउंड पे ये मैच खेला जाएगा ना, यहाँ पे गाइस टीम कॉम्बिनेशन बहुत डिफरेंट होने वाला है। कैसे टीम आपको इस वाले मैच की बनानी है, कौन सा प्लेयर आज के मैच में आपको ड्रॉप करना है, क्या मेरी फाइनल टीम इस वाले मैच की रहेगी, सब गाइज अपन यहां पे एनालिसिस करेंगे। बस आप लोगों से गाइज मेरी रिक्वेस्ट है गाइज, अब ये फैमिली 5 लाख की तरफ बढ़ रही है, होपफुली हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों का गाइज मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी बोलूंगा कि इस फैमिली को इतना बड़ा करने के लिए, और आपका प्यार गाइज ऐसे ही बनाए रखना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा के ऑल प्रेस कर दे। और गाइज इस वाले वीडियो में आप लोगों के लिए 10,000 रुपए का फ्री गिव अवे है। वो गिव अवे आपको कैसे मिलेगा इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो गाइस आप लोगों के लिए शानदार होने वाला है। ग्रैंड लीग गाइस लास्ट मैच में मिस हो गई, बट इस वाले मैच में अपन जरूर विन करेंगे, कैसे वो आपको पता लगेगा। आईएनडी वर्सेज एयूएस 30-20 मैच 2022 जो कि खेले जाने वाला है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। और यहाँ के गाइज अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूं तो यहाँ की पिच काफी ड्राई और हार्ड है। और दूसरी चीज, ग्राउंड छोटा है, बड़ा स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और स्पिनर्स को गाइज इस वाले ग्राउंड पे मदद मिलने वाली है, स्पिनर्स को जरूर रख लेना। कौन से स्पिनर इंपॉर्टेंट है आगे आपको पता लगने वाला है। इसके अलावा टेलीग्राम को गाइज आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लेना, कमेंट में और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दूसरे नंबर का लिंक है ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री टीम्स, उसके नीचे लिंक है शोर एक्सपर्ट्स के नाम से। अगर आपको सही में विनिंग टीम चाहिए, फाइनल अपडेट चाहिए, हर मैच का एनालिसिस चाहिए, तो सभी भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं जरूर से ज्वाइन कर ले। अब गई T20 स्टैट्स की मैं यहां पे बात करता हूं। टोटल 64 मैचेस गाइस यहां पे खेले गए, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 28 और सेकंड ने 35 मैच वॉन किए, एवरेज स्कोर 158 का। तो गाइस यहां पे आपको बता दूं 170 से 180 का स्कोर मुझे लग रहा है बनने वाला है। और जो भी टीम टॉस जीतेगी ना, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना ही पसंद करेगी, क्योंकि यहां पे सेकंड इनिंग में बैटिंग थोड़ी सी आसान हो सकती है और ओस का भी थोड़ा सा फर्क रहेगा। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो गाइज 190 से ज्यादा का स्कोर यहां पे 12 बार बना है और 150 से कम का 33 बार। तो गाइज थोड़ा सोच समझ के टीम बनाना, यहां पे कुछ भी हो सकता है, बॉल फंस के भी आ सकती है। दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं, 24 मैच खेले गए हैं, इंडिया ने 14, ऑस्ट्रेलिया ने 10। तो दोनों ही टीमें गाइज काफी स्ट्रांग टीम है, बट आपके लिए कैसे टीम बनेगी वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के साथ गाइज आपको बिल्कुल बने रहना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। वेन्यू स्टैट्स की बात करूं, लास्ट 3 मैच देखिए गाइज यहां पर है ना, कोरोना के बाद ज्यादा मैच हुए नहीं, और जो हुए थे वो भी आईपीएल के मैचेस हुए हैं। आप देखिए 2019 को मैच हुआ था 12 मई को, मुंबई और सीएसके के बीच, मुंबई ने 149 बनाए थे और चेन्नई 148 ही बनाया, लो स्कोरिंग मैच हुआ। इसके बाद 21 अप्रैल को मैच हुआ, केकेआर ने 159 बनाए, सनराइजर्स 161 बना गया एक विकेट के नुकसान पे। तो सेकंड इनिंग में बैटिंग क्या हुई, आसान। इसके बाद यहां पे देखी गई सनराइजर्स और पंजाब के बीच मैच हुआ, 212 बनाया एसआरएस ने और पंजाब 167 ही बना पाया। तो गाइस आप यहां पे तो ये तो नहीं कह सकते कि टॉस जीत लिया तो आपने मैच जीत लिया,
जो टीम बैश करेगी वही जीतेगी, क्योंकि फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोनों में ही यहाँ पे अच्छी मदद मिल रही है। और टेलीग्राम को आप जरूर से ज्वाइन करना, कमेंट में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक है हर मैच की फ्री टीम के लिए। और चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपको क्वालिटी के साथ बेस्ट कंटेंट चाहिए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। गाइज ये बल्लेबाजी एप्लीकेशन है और इसको अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया ना तो सीरियसली कह रहा हूं आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने जाओगे ना उससे ऊपर जो पहले नंबर का लिंक है ना उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना, ₹1000 का फ्री साइन अप बोनस मिलेगा और वो बोनस इसी मैच में मैं आपका यूटिलाइज कराऊंगा, कैसे वो आगे वीडियो में बताऊंगा। बट उससे पहले ₹10000 का आप लोगों के लिए फ्री गिव अवे है गाइज यहाँ पे। कैसे ज्वाइन करना है ध्यान से सुन लो, फिर मत बोलना कि समझ में नहीं आया, कुछ नहीं करना। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच यहाँ पे ओपन करना है, ऊपर प्राइवेट लीग दिखेगी उस पर क्लिक करना है, ज्वाइन कॉन्टेस्ट में जाके एक कोड बता रहा हूं आप लोगों के लिए ही है CTSURE CT SURE CT SURE, ये कोड गाइज आपको डाल देना है, उसके बाद वो गिव अवे ओपन हो जाएगा बिल्कुल फ्री में। आप ₹10000 आज के मैच में विन कर सकते हो। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है ये गिव अवे जरूर से ज्वाइन कर लेना है और इसको विन भी करना है, ज्वाइन ही नहीं करना। कैसे विन होगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। साथ में गाइज यहां पर जब आप डिपोजिट कराने जाओ ना तो ₹10000 का डिपोजिट कराना और कोड पता है क्या डालना, India5 INDIA5, ये कोड डालते ही आपको 5% एक्स्ट्रा रियल कैश मिलेगा जो आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो। शानदार, लाजवाब, बेहतरीन एप्लीकेशन, मजा आ गया, दिल खुश हो गया, जरूर से डाउनलोड करें। बट गाइस इस एप्लीकेशन पे थोड़ा सा वित्तीय जोखिम इंक्लूड है, कृपया अपने रिस्क पर खेले और संभल के खेले। अब दोनों टीमों की गाइज में प्लेइंग 11 आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, क्या प्लेइंग 11 रहेगी और क्या चेंजेस इस वाली प्लेइंग 11 में होने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। और एक से दो इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिनको आज अपन ड्रॉप करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के साथ आपको बिल्कुल बने रहना है। इंडिया की तरफ से देखिए रोहित शर्मा KL राहुल गाइज ओपन करेंगे, इसके बाद विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या मिडिल ऑर्डर में आने वाले हैं, यहाँ पे दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, बुमराह और यजवंदर चहल। तो यहां पे देखिए इंडिया की तरफ से मुझे लग रहा है एक चेंज हो सकता है, हर्षल पटेल की जगह टीम दीपक चहर को खिला सकती है, क्योंकि लास्ट दो मैच से मौका मिला कुछ खास किया नहीं, तो हो सकता है दीपक चहर की वापसी हो, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार भी बेंच पे बैठे हैं, तो यही बदलाव होगा बाकी कुछ नहीं होगा, या हो सकता है सेम प्लेइंग 11 के साथ भी टीम चल जाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैं बात करूं तो फिंच, कैमरॉन ग्रीन ओपन करेंगे। अब कई बार सोच लूंगे कि यहां पे तो स्टीवन स्मिथ आता है, ये मैक्सवेल कैसे आ गया, क्योंकि लास्ट मैच 8 ओवर का था, ये वाला मैच है 20 ओवर का, तो वापस से स्टीवन स्मिथ ही आने वाले हैं नंबर 3 पर। नंबर 4 पे मैक्सवेल, डेविड वैड, डैनियल सैम्स मुझे डाउटफुल लग रहे हैं और सीन एबट भी डाउटफुल लग रहे हैं। इन दोनों की जगह है ना इनके एक स्पेशलिस्ट बॉलर है जो अभी आपको बताऊंगा, वो खेल सकते हैं। हॉरन फिंच ने हिंट भी दे दिया था, ग्रैंडली खेलने वालों के लिए बताऊंगा, उस प्लेयर को नजर बना के रखना कौन सा है आगे बताऊंगा। पैट कमिंस, जंपा और हेजलवुड। अब देखिए गाइस ये दोनों टीमों की प्लेइंग 11 है, INDIA वर्सेस US प्लेइंग 11। अब गाइस अपन फुल इंफॉर्मेशन देखेंगे तो बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और गाइस इस वीडियो का टारगेट है ना 10,000 लाइक्स का है, मुझे पता है आप इससे ज्यादा ही दोगे, बट दे देना गाइस, भाई खुश हो जाएगा, अच्छा लगेगा, जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी बस। विकेट कीपर सेक्शन में देखिए दो ऑप्शन है, दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत, दोनों ही प्लेयर बहुत ही जबरदस्त है नो डाउट, पर एक चीज बता दूं ये दोनों काफी नीचे बैटिंग करने आते हैं, हो सकता है बैटिंग ना आए। दूसरी चीज फॉर्म दोनों की ही खराब है, लास्ट 5 मैचों में आप देखिए 10-6, 1-12, 6। और ऋषभ पंत की बात करूं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 4 मैच खेला है केवल 24 रन, तो दोनों प्लेयर ओनली ग्रैंड लीग के, स्मॉल लीग में मैं आपको कम प्रीफर करूंगा, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो रख सकते हो, स्मॉल लीग में नहीं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू वैड नंबर 5 पे खेलेगा, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और जब इंडिया के अगेंस्ट खेलता है ना पता नहीं क्या हो जाता है इसको, 9 मैच में 358 रन बनाए 60 के एवरेज से। गुजरात टाइटंस वाले सोच रहे होंगे कि जब हमारे तरफ से खेलता था जब तो ऐसा नहीं था, अब क्या हो गया, और लास्ट 4 मैचों में 43-45-26-13। GL प्लस SL दोनों साइड में ही रखना है, और मैं कह रहा हूं मोस्टली लोगों ने रख भी रखा होगा क्योंकि यही एक डिफॉल्ट पिक है विकेट कीपिंग सेक्शन में। तो
बैटिंग सेक्शन में इंडिया की तरफ से देखिए, इंडिया का हिटमैन है ना फॉर्म में आ चुका है, लास्ट मैच में बनाए 46, बट अब अपन को क्या करना है, लॉजिक यूज करना है। अब देखिए लास्ट मैच में चला है, हो सकता है आज के मैच में फ्लॉप हो जाए, अगर ये फ्लॉप होता है तो चांसेस किसके है चलने की, दो प्लेयर मुझे लग रहे हैं केएल राहुल और विराट कोहली, क्यों लग रहे हैं एक चीज बता दो, केएल राहुल ओपन करेगा पहली चीज, दूसरी चीज इस वेन्यू पर एक ही मैच खेला है और 62 रन बनाए, ठीक है, और विराट कोहली ने भी इस वेन्यू पर एक ही मैच खेला है 94 रन बनाए, एवरेज 52 का एवरेज 30 का, मुझे लग रहा है केएल राहुल और विराट कोहली दोनों चल सकते हैं आज के मैच में, हाई चांसेस है, जरूर आप रख सकते हो, इंडिया का रन मशीन आज के मैच में रन उगल सकता है। और इसके अलावा सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पे शानदार प्लेयर रहेगा, लास्ट मैच 0 बनाए, तो आज के मैच में ये तीन प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, विराट कोहली, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव, इन तीनों को जरूर रखना। रोहित शर्मा देखिए फॉर्म में काफी अच्छे हैं, डेफिनेटली अच्छा कर सकते हो, अब आपका डिसीजन है किसको रखना है, बाकी मैंने आपको चॉइस बता दी है, अब आपको जो करना है कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया के देखिए बैटिंग सेक्शन में ना तीन बैट्समैन है, जिसमें से एक बैट्समैन ही मतलब का है, बाकी दो तो बिल्कुल अच्छी फॉर्म में नहीं है, एक तो स्टीवन स्मिथ और एक टिम डेविड। स्टीवन स्मिथ है ना खेलता अच्छा है T20 में, बट काफी स्लो बैटिंग करता है, ये ODI और टेस्ट का प्लेयर है, और आप देखिए लास्ट मैच में भी 8 रन बनाए थे और उसमें भी 8 ओवर के मैच में भी ऐसे खेल रहा था, एक एक रन ले रहा था, तो कहीं ना कहीं स्लो बैटिंग करता है। और फिंच की बात करूं 29 का एवरेज है इंडिया के अगेंस्ट, लास्ट 4 मैच में 31-22-61, और टिम डेविड ने तो लास्ट मैच में 2 मैचों में 20 रन बनाए, तो मैं आपको बोलूंगा इनके बैटिंग सेक्शन की जगह आप इनके ऑलराउंडर सेक्शन से एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लेके चलो ना, तो बेनिफिट ज्यादा रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों का एडवांटेज रहेगा। बैटिंग सिक्स रखना है तो फिंच को रख लो, यही मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस। ऑलराउंडर सेक्शन में देखिए इंडिया की तरफ से दो ऑलराउंडर है, एक तो हार्दिक पांड्या और दूसरे अक्षर पटेल। हार्दिक पांड्या जो कि फास्ट बॉलर है, लास्ट मैच में नहीं चला, बट इस वाले मैच में भी मुझे लग रहा है बॉलिंग से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बैटिंग से इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वाले पिच पे हो सकता है स्पिनर्स को अच्छी मदद रहे कंपेयर टू फास्ट बॉलर के, बट फिर भी गाइस हार्दिक पांड्या को आपको डेफिनेटली रखना ही है। और अक्षर पटेल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस वाले मैच के लिए भी, लास्ट 2 मैचों में 5 विकेट ले जा चुका है, शानदार फॉर्म में चल रहा है, तो SL प्लस DL दोनों में गई, ये दोनों प्लेयर आएंगे अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या, डेफिनेटली आपको रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी फाइनल टीम दिखाने वाला हूं, फ्री गिव अवे का क्वेश्चन आने वाला है, बहुत कुछ चीजें मिस चल रही है, वीडियो के साथ बने रहना, कहीं से भी मिस मत करना, अभी भी 10,000 लाइक्स नहीं हुए बट आप कर दोगे, मुझे पता है आपका दिल बहुत बड़ा है भाई, और इंडिया को विन कराने के लिए आप जरूर करोगे। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर सेक्शन में मैं बात करूं तो देखिए मैक्सवेल है ना टीम का स्पिनर है, नंबर 3 पे आएगा, वैसे ये 8 ओवर के मैच में था, ये नंबर 4 पे आएगा, और लास्ट 3 मैच से फॉर्म में भी नहीं है, मोस्टली लोग ड्रॉप करेंगे, बट आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, अगर आज के मैच में क्या पता चल जाए तो उस केस में अच्छा कर सकता है, तो आप जरूर रिस्क ले सकते हो मैक्सवेल के साथ, तो अगर आप फिंच को ड्रॉप कर रहे हो तो उसकी जगह मैक्सवेल के साथ रिस्क ले सकते हो। डैनियल सैम्स फास्ट बॉलर है गाइस, इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं, लास्ट मैच में भी एक भी विकेट नहीं मिला और लास्ट 4 मैचों से ही विकेट नहीं मिला, डैनियल सैम्स की जगह मैंने बोला था आपको एक बॉलर है जो आज के मैच में आ सकता है, उस पर जरूर नजर रखना। और कैमरॉन ग्रीन जो कि फास्ट बॉलर है ओपन करेगा, फर्स्ट मैच में 61 रन 1 विकेट डेफिनेटली, तो ये प्लेयर डिफॉल्ट पिक रहेगा मोस्टली लोगों का, कैमरॉन ग्रीन को डेफिनेटली रखना है। सेकेंड अगर फिंच को नहीं रख रहे तो मैक्सवेल के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो। बॉलिंग सेक्शन की मैं बात करूं, अगर इंडिया की तरफ से तीन बॉलर है, हर्षल पटेल, बुमराह और चहल। यजवंदर चहल के बारे में गाइस मैं बात करूंगा आपके इस वाले मैच में, क्योंकि इस वाले मैच में ये इंपॉर्टेंट पिक है, क्योंकि इस वाले पिच पे है ना इसने एक ही मैच खेला है और 2 विकेट निकाले हैं, लास्ट 3 मैचों में 4 विकेट लिए हैं, कहीं ना कहीं गाइस ये प्लेयर मुझे लग रहा है आज के मैच में इंपॉर्टेंट होने वाला है, कम से कम 1-2 विकेट निकाल के दे सकता है। और जसप्रीत बुमराह तो गाइस देखिए टीम का बिल्कुल रॉकेट मशीन है, और मतलब फिंच को जो आउट किया था ना देखने वाला था, और 12 मैच में 16 विकेट निकाले हेड टू हेड में, तो यहाँ पे ये दोनों मेरे हिसाब से आपकी टीम में जाने चाहिए, बुमराह और चहल डेफिनेटली रख लेना। और हर्षल पटेल की बात करूं, देखिए फास्ट बॉलर है, अगर खेलता है ना तो आप GL में ट्राई कर सकते हो पहली चीज, और दूसरी चीज अगर नहीं खेलता तो दीपक चहर आ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी सेफ में जाओगे तो बुमराह और चहल दोनों आपके लिए एक्सेलेंट चॉइस होने वाले हैं।
ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग सेक्शन में देखिए ये दो बॉलर है जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, मैं आपको बताऊं, एक तो पैट कमिंस और दूसरा सीन एबट। ये क्या है, इंडिया के अगेंस्ट उतना अच्छा करते नहीं। आप देखिए सीन एबट को 4 मौके मिले इंडिया के अगेंस्ट और केवल 1 विकेट लिया है, और कमिंस की भी बात करूं तो 5 मैच में केवल 5 विकेट लिए हैं। तो ये दोनों की फॉर्म भी उतनी अच्छी नहीं है। आप जीएल में ट्राई कर सकते हो, एसएल में कम प्रीफर करेंगे, बट ये दो बॉलर आप डेफिनेटली रख लेना। एडम जंपा आज के लिए भी इंपॉर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि इस वाले पिच पे हो सकता है स्पिनर्स को इफेक्टिव हो। 3 विकेट निकाले थे लास्ट मैच में। और हेजलवुड जो कि फास्ट बॉलर है, लेफ्ट साइड से बॉलिंग कराता है, और इंडिया के जितने बैट्समैन है ना राइट हैंडेड है, तो कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। तो हेजलवुड, एडम जंपा, ये दो बॉलर स्पेशलिस्ट है, डेफिनेटली आप अपनी टीम में रख सकते हो। तो 3 डिफॉल्ट पिक है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो रख लेना, हेजलवुड, जंपा, मैथ्यू वैट, ये 3 प्लेयर को तो आप डेफिनेटली अपनी टीम में रख लेना। बाकी के दो और कौन से रखने वो अभी आपको आगे वीडियो में पता लगने वाला है। गाइज ये बल्लेबाजी है, इसको मेरे हिसाब से आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से जाके करो, डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर का लिंक है, डाउनलोड करते ही ₹1000 का साइन अप बोनस मिलेगा। और वो बोनस है ना, आप यहाँ पे एक ₹49 का कॉन्टेस्ट लगा हुआ है जिसमें आप 100% बोनस यूटिलाइज कर सकते हो, तो उस बोनस को यहाँ पे जाके यूटिलाइज कर लो। दूसरा गाइज यहाँ पे आपको है ना गिव अवे ज्वाइन कर लेना है ₹10000 का, प्राइवेट लीग में जाके होगा, वहां पे कोड डालना पड़ेगा CTSURE, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में ज्वाइन करो, अगर नहीं समझ में आ रहा टेलीग्राम पे आ जाओ, इजीली बता दूंगा, ठीक है। दूसरे नंबर का लिंक है डिस्क्रिप्शन में कमेंट में, जरूर से ज्वाइन कर लो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बट इस एप्लीकेशन पे है ना थोड़ा सा गाइस वित्तीय जोखिम इंक्लूड है, कृपया अपनी रिस्क पर खेले, संभल के खेले, बट खेलना स्टार्ट कर दे। बेंच पे बैठे हुए प्लेयर देखिए, दीपक हुड्डा, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, कोई चांस नहीं लग रहा, अश्विन कोई चांस नहीं है, दीपक चहर को एक मौका मिल सकता है अगर टीम हर्षल पटेल को बाहर करती है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है इनमें से किसी का आने का। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गाइस 3 बॉलर है जो रडार पे चल रहे हैं, सीन एबट, डैनियल सैम्स, मुझे नहीं लगता उतना अच्छा किया है, तो हो सकता है टीम केन रिचर्डसन को लेके आए। फास्ट बॉलर है गाइस, एक्सीलेंट बॉलर है, क्यों नहीं खिलाड़ी, समझ से बाहर, अगर खेलता है तो ग्रैंड लीग वाले जरूर नजर रखना। और दूसरा गाइस एस्टन आगर और बैन ड्यूरिश, एस्टन आगर अगर आज के मैच में खेलता है काफी इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है, जरूर आप नजर रखना। तो ये दो बॉलर अगर आपको लाइनअप में दिखे तो मेरे कुछ बताने का वेट मत करना गाइस, सीधा रख लेना, क्योंकि यही मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ये दोनों आपके लिए एक्सीलेंट चॉइस होने वाले हैं। अब कई लोगों के दिमाग में चल रहा है कि यार रोहित शर्मा, केएल राहुल, मैक्सवेल, फिंच, कोहली, किसको ड्रॉप करे, समझ में ही नहीं आ रहा। तो उन लोगों के लिए बनाया गया है प्लेयर बैटल, यहां से आप समझ सकते हो कि यार ये प्लेयर इस बॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रगल करता है, कहीं ना कहीं ड्रॉप कर सकते हो। अब विराट कोहली देखिए क्या है, थोड़ा सा एडम जंपा के अगेंस्ट में स्ट्रगल करता है, आप देखिए 3 बार आउट कर चुका विराट कोहली को जंपा, तो कहीं ना कहीं अगर आप विराट कोहली को ड्रॉप करते हो तो जंपा को डेफिनेटली रखना। जंपा ने लोकेश राहुल को भी 2 बार आउट किया है, मैक्सवेल ने भी 2 बार आउट किया है, तो एडम जंपा कहीं ना कहीं इंडिया के प्लेयर्स को परेशान करता है, तो इंपॉर्टेंट पिक है। जंपा को रख रहे हो तो राहुल और विराट में से विराट को तो ड्रॉप कर सकते हो, इस चीज का आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा गाइस यहां पे अगर मैं बात करूं फिंच को, देखिए जसप्रीत बुमराह 2 बार आउट कर चुका है, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग ओवर्स में अगर आप बुमराह को रख रहे हो अपनी टीम में तो हो सकता है फिंच जल्दी आउट हो जाए, तो फिंच को ड्रॉप करके इनके मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा यहां पे स्टीवन स्मिथ को यजवंदर चहल ने 20 बॉलों के अंदर 2 बार आउट किया, ठीक है, तो स्मिथ को रखने वाले किसको ड्रॉप कर सकते हैं, स्मिथ को चहल के अगेंस्ट में। मैक्सवेल को बुमराह ने 2 बार आउट किया है। अब गाइस सबसे बड़ी बात आती है इंडिया की तरफ से इस वाले मैच में पावर प्ले में बॉलिंग कौन कराएगा और डेथ ओवर्स में कौन कराएगा। अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये 8 ओवर का जो मैच होता है ना उसके हिसाब से, बट अभी आज का मैच फुल ओवर होने वाला है, तो यहां पे स्टार्टिंग ओवर्स में कौन आएगा, बुमराह, और सेकंड आएंगे हर्षल पटेल या फिर दीपक चहर, दोनों में से जो खेलता है, और लास्ट ओवर्स में कौन आएंगे, बुमराह। बुमराह को हाई चांसेस है लास्ट ओवर्स में विकेट मिले, और उसके अलावा अक्षर पटेल या चहल में से भी टीम किसी को बॉलिंग दे सकती है, या हार्दिक पांड्या को भी दे दे। और यहां पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हेजलवुड, कमिंस, जंपा, और डेथ ओवर्स में आएंगे सीन एबट, कमिंस और डैनियल सैम्स। तो मुझे नहीं लगता डैनियल सैम्स और सीन एबट दोनों खेलने वाले, हो सकता है कोई एक खेले, बट हेजलवुड बहुत इंपॉर्टेंट है और जंपा बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बॉलर को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अब गाइस आज के मैच का फ्री गिव अवे का क्वेश्चन आ गया है, क्या क्वेश्चन है बहुत ध्यान से सुनना, ₹10000 का फ्री गिव अवे, वो तो एप्लीकेशन पे था, ये मेरी तरफ से एक सिंगल यूजर को प्राइज मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है।
आंसर आपको देना है क्या है गाइज। इस वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया का कौन सा बॉलर है जो सबसे ज्यादा विकेट लेगा और इंडिया का कौन सा बॉलर है जो सबसे ज्यादा विकेट लेगा, मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन सा बॉलर है जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला है, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है। आंसर देते समय तीन चीजों का ध्यान रखना, वीडियो पे लाइक, चैनल को गाइज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन की घंटी दबा के ऑल प्रेस, और टेलीग्राम डेफिनेटली ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक है शोर एक्सपर्ट्स के नाम से क्लिक करें। ठीक है, अब गाइस मैं आपको फाइनल टीम दिखाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देख लेना। ऑस्ट्रेलिया के गाइस मैंने आपको चार प्लेयर बताए थे जिनको रखना ही रखना है। एक बोला था मैंने मैथ्यू वैड पहला, एक बोला था कैमरॉन ग्रीन दूसरा, एक बोला था हेजलवुड तीसरा, और एक बोला था जंपा चौथा। चार प्लेयर तो डेफिनेटली रखना। पांचवा प्लेयर मैंने आपको बोला था फिंच को आप रख सकते हो या फिर आप मैक्सवेल को रख सकते हो। मैक्सवेल को अगर आपको अपनी टीम में रखना है तो इंडिया के ये चार बैट्समैन मैंने रखे, रोहित शर्मा, कोहली, सूर्य कुमार यादव और राहुल। हम देखिए कोई भी चल जाता है, इसलिए चारों का रखना बहुत जरूरी है। इंडिया ही ये वाला मैच जीतना चाहिए, यही अपन चाहेंगे। अगर वो जीतता है तो इन चारों में से कोई चलने वाला है, तो आप चाहो तो यहां पर सूर्य कुमार की जगह मैक्सवेल को लेके आ सकते हो या फिर विराट कोहली की जगह फिंच को, डिसीजन आपका है। बाकी ये मेरी फाइनल टीम है, इसमें कुछ भी चेंज होगा मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। अब इस वाले मैच में डिफरेंशियल टीम क्या रहने वाली है उसके बारे में अपन बात करते हैं कि आप कुछ डिफरेंट क्या कर सकते हो इस वाले मैच में। देखिए गाइस ये बल्लेबाजी की टीम है, बल्लेबाजी पे खेलना बहुत ही आसान है, एंट्री फीस वगैरह कम है, कंपटीशन कम है, इजीली यहाँ पे विनिंग हो जाती है। जरूर से आप डाउनलोड करें, खेले, शानदार एप्लीकेशन है, लाजवाब एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा है, अपनी टीम से रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव दोनों को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि हो सकता है रोहित शर्मा आज के मैच में ना चले, लास्ट मैच में चला था। सूर्य कुमार यादव को भी ड्रॉप किया, विराट कोहली, लोकेश राहुल मुझे लग रहा है आज के मैच के पंट प्लेयर, इन दोनों को रखा है। यहाँ पे ऑरोन फिंच और स्टीवन स्मिथ को लेके आया हूं, दोनों गाइज एक्सीलेंट प्लेयर है बट थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि बहुत से लोग ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे मैक्सवेल को रखा है, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, यहाँ पे रखा है चहल को। तो मैंने क्या करा है इस वाली टीम में, एक तो अपने को मैक्सवेल को लिया है, हार्दिक चहल को रखा है, स्मिथ और फिंच को रखा है। तो ये कर भी आप टीम बना सकते हो एक बैश कॉम्बिनेशन के साथ, थोड़ा सा डिफरेंशियल टीम हो सकती है। अब कप्तान और वाइस कप्तान के लिए गाइस आज के मैच में कौन बढ़िया रहेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। उससे पहले गाइस अगर आपने बल्लेबाजी पे अभी तक साइन अप नहीं किया तो जल्दी से जाके साइन अप कर लो, डिस्क्रिप्शन में कमेंट पे पहला लिंक है, ₹1000 का बोनस मिलेगा। और यहाँ पे जब डिपॉजिट कराने जाओ ना, मात्र आप ₹10000 का डिपॉजिट कराते हो तो कोड है ना इंडिया 5 जरूर डाल देना, INDIA5। ये कोड डालने से क्या होगा, आपको 5% एक्स्ट्रा रियल कैश मिल जाएगा जो आप इजिली कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो, ये रियल कैश है ना कि बोनस। तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में आपको यहाँ पे डिपॉजिट कराना है। दूसरी चीज गाइज यहाँ पे आपको मैं बताऊं, ये बोनस तो आपको मिल ही रहा है और ये गिव अवे गाइज आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है सिटी शोर कोड डालने से प्राइवेट लीग में जाके। गाइज बहुत फास्टली फिलअप हो रहा है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। और गाइज यहाँ पे ना प्रिडिक्शन भी कर सकते हो, मतलब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मान लो ऑस्ट्रेलिया इस ओवर में इससे ज्यादा रन बना सकता है क्या, क्या इंडिया इस वाले मैच में 50 रन से ज्यादा 6 ओवर में बना सकता है क्या, यस और नो में आंसर दे के आप इजीली विनिंग कर सकते हो। तो ये प्रिडिक्शन भी आप दे सकते हो, बहुत ही जबरदस्त फीचर है। बट इस एप्लीकेशन पे गाइस थोड़ा सा वित्तीय जोखिम इंक्लूड है, कृपया अपने रिस्क पर खेले, संभल के खेले। कप्तान वाइस कप्तान के लिए कौन बेस्ट रहेगा, मेरे हिसाब से एक ऑलराउंडर को बनाना बेस्ट है। अगर आप SL खेल रहे हो तो, GL खेल रहे हो तो फिर KL राहुल, कोहली, मैथ्यू वैड को ट्राई कर सकते हो। सेफ चॉइस की बात करो तो अक्षर पटेल, पांड्या, कैमरॉन ग्रीन, तीनों बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं एक्सेलेंट फॉर्म में, इससे बढ़िया चॉइस मेरे हिसाब से नहीं है, जरूर आप ट्राई कर सकते हो। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा वीडियो गाइज फुल इन्फॉर्मेटिव था, एजुकेशन पर्पज से था, और आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना टाइम दिया, प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूंगा क्योंकि 5 लाख की फैमिली अपनी होने वाली है या हो गई, आप देख सकते हैं। तो गाइज उसके लिए आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो INDVS T20 मैच प्रीव्यू यहीं पर ही खत्म होता है। और गाइज मैंने आपको बोला यहाँ खेलो वहां खेलो, देखिए खेलना नहीं खेलना वो आपका डिसीजन है, मेरा काम केवल ऑफर्स को बताना है। ठीक है, मैं कहीं से भी आपको फोर्स नहीं करता खेलने के लिए। तो जाते जाते वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही वीडियो को देखते रहना। ठीक है भाइयों, नमस्कार।